हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मम्मास गैलेक्सी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी। गाइस, ये बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ में ये बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें सारे फ्रूट्स ऐड होते हैं, साथ में मिल्क ऐड होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिए हैं हमने, यहाँ अनार लिया है, सेब लिया है कटा हुआ, कुछ अंगूर लिए हैं, आम लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो हमें डेकोरेट करने के लिए चाहिएंगे। यहाँ 2 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। हमने यहाँ 6 से 7 टेबल स्पून शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप यहाँ पे वो फ्रूट्स भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसे हम गैस पे रखेंगे, साथ ही गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। हमने यहाँ 1/2 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है। उससे अलग हमने 30 ml दूध और लिया है जिसमें हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। याद रखिए, कस्टर्ड को कभी भी गर्म दूध में मिक्स नहीं करना है। गर्म दूध में मिक्स करने से उसमें लम्स पड़ जाते हैं, वो ठीक से मिक्स नहीं होता है। यहाँ पे जो दूध लिया था वो हमें अब बॉईल करना है। इतने हमारा दूध बॉईल हो रहा है, इतने हम कस्टर्ड को मिक्स करते हैं। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है और जो हमने दूध बचाया था वो हम कस्टर्ड में डाल के मिक्स करेंगे। यहाँ हम धीरे धीरे दूध को डालेंगे और अब हम कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से चलाना है इसको। अब हमारा कस्टर्ड ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। अब देखिए, हमारा दूध भी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ हमने 6 से 7 चम्मच शुगर ऐड किए। देख सकते हैं हमारी शुगर भी अच्छे से इसमें ऐड हो गई है, दूध ठीक से बॉईल हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे, साथ ही इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। हमें कस्टर्ड को धीरे धीरे डालना है इसमें और अपनी करछी को चलाते रहना है। यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, वरना अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हमारे दूध में लम्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दूध को चलाते रहना है। तो आप देखिए, हमारा कस्टर्ड काफ़ी थिक लग रहा है। कस्टर्ड को 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है। हमारा कस्टर्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट पक चुका है, तो हम देख सकते हैं उसको ठंडा करके कि वो कितना थिक हो गया है, वो पूरी चम्मच को कवर कर रहा है। तो हमें कस्टर्ड ऐसे ही गाढ़ा चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कस्टर्ड को 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमारा कस्टर्ड नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है और अब हमने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। गाइज, अगर आपको इसमें से कोई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं और अपने पास से अपने फेवरेट फ्रूट को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने इसमें करीब करीब सारे फ्रूट्स जो हमें अच्छे लगते हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे हमने कुछ अनार के दाने भी मिक्स किए हैं। गाइस, हमने थोड़े से अनार के दाने बचा लिए हैं, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे, कस्टर्ड को अच्छे से चलाएंगे जिससे कि हमारे जो भी हमने फ्रूट्स लिए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इसमें देख सकते हैं आप, हमारा कस्टर्ड कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो गाइस, हमारे सारे फ्रूट्स इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। अब हम कस्टर्ड को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और अब हमने उसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा कस्टर्ड कितना क्रीमी लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। तो गाइस, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कस्टर्ड को डेकोरेट करेंगे। देखिए, हमने अनार के दानों के साथ उसको अच्छे से डेकोरेट किया है, साथ ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी बचाए हुए हैं। अब हम उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड कितना अच्छा दिख रहा है। ये कस्टर्ड बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।